ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एसडी आर्ट। सो आज के वीडियो में होने वाला बहुत ही क्रेजी वाला मजा, क्योंकि ना आज हम व्लॉग भी करने वाले हैं और प्लस हम आर्टवर्क भी बनाने वाले हैं। मतलब कि आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, उसके अंदर भी व्लॉग और आर्टवर्क को दोनों मिक्स करके एक अच्छा वीडियो बनाता था, तो ऐसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज का वीडियो का टाइटल तो आपको पता ही है, तभी बता दो कि आज का वीडियो का कंटेंट ये है कि ये जो कैप है मेरे पास, ये अभी मतलब बहुत ही कॉमन हो चुकी है। मतलब कि मैं हर एक फोटो में इस कैप को पहन रहा हूँ एंड हर एक वीडियोस में आपको दिख रही है, कुछ नयापन नहीं आ रहा। तो नयापन के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ क्रेजी करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये सोच रही हूँ कि इस कैप को और एक एक बार कस्टमाइज़ किया जाए, मतलब कि ऊपर नहीं एक नया कैप ला के उसके ऊपर अलग डिज़ाइन बना के कस्टमाइज़ करूँ। सो ये जो कैप है बहुत ही सिंपल लगती है अभी मतलब मुझे। सो कुछ कस्टमाइज़ करते हैं इस पर, तो जाना पड़ेगा अभी स्टेशन, क्योंकि ना जो कैप का शॉप है वो स्टेशन पर, तो स्टेशन पर जाएंगे कैप लेके आएंगे। और कैप अभी लेके आना मतलब कि बहुत ही हेडिक होगा, क्योंकि ये जो अभी सीन चल रहा है मतलब गर्मी ना बहुत ही एकदम बढ़ चुकी है मुंबई में, इसके कारण ये टाइम पे जाना बहुत ही मुश्किल है। अभी जो टाइम हो चुका है वो है 11:30 और अभी निकलना मतलब कि पड़ जाते अभी। ओके ऑलराइट, फैन बंद कर लेता हूँ अभी यार, ये फैन बंद ही नहीं हो रहा। ओके ऑलराइट, सो रेडी, यहाँ पे हो गया हेलमेट, मैं हो चुका हूँ यहाँ पे रेडी। और एक एक दोस्त आ रहा है हमारा, उससे मिलाता हूँ आपको नीचे, तब तक हम जाते हैं नीचे। वहाँ पे है हमारी गाड़ी। ये बिल्डिंग में ना ऐसा ही होता है, मतलब कभी वहाँ पे पीछे पार्क करनी पड़ती है, कभी आगे पार्क करनी पड़ती है, तो ये लगता था भाई साहब, तो यार पता नहीं चलता कि कहाँ पे गाड़ी होती कभी कभी। आज हमने यहाँ पे पार्क की है गाड़ी आगे सामने। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे आ चुका है फुकटचंद लोग। मतलब इसे बुलाने का मेन रीज़न ये है कि मतलब इसकी जो बार्गेनिंग स्किल है वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल वाली है। मतलब कि बोलते हैं ना कि 200-500 वाली चीज़ें वो 50-100 रुपये में लाएगा, ऐसी वाली बार्गेनिंग स्किल है। तो आज देखते हैं कि इसकी बार्गेनिंग स्किल कितनी काम आती है आज हमारी कैब लेने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है, गाड़ी को करते स्टार्ट और निकलते हैं। और तो बॉस ओके ऑलराइट गाइस, तो भयंकर ट्रैफिक में फंस चुके हैं यहाँ पे, पूरा एंड तलक ट्रैफिक है। मैं सोचा था कि पहले मेन रोड से थे वहाँ पे भी ट्रैफिक, यहाँ से आए यहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक खुल रहा है। ओके ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आ चुके हैं टोपी वाले कैप वाले शॉप में। सो ये जो वाइट वाली चेक कर रहे हो वो चेक करना है हमें। तो अभी जो वाइट वाली कैप है देखते मेन जो आदमी गया है वो जो कैप है वो कितनी। ओके ऑलराइट, सो अभी आ चुका है स्टेशन से। भाई साहब इतना गर्मी है, मतलब कि ये जो पूरा हाथ पसीना सब कुछ अभी ख़राब हो चुका है, मुझे शक्ल भी मालूम नहीं, मुझे मेरी शक्ल अभी कैसी है फिलहाल के लिए। तभी भी ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोग गए थे स्टेशन, लेके आया सब कुछ सामान, मतलब कि एक ही जो कैब थी वो अराउंड मतलब कैब वाला बोल रहा था कि 150 और नेगोशिएट करते करते भाई ने लेके आया करीबन 20 रुपीज़, मतलब कि 30 रुपीज़ कम किया। अच्छा ठीक है, कैब भी अच्छी थी और क्वालिटी तो मैटर करती है। तो अभी अपना जो ड्राइंग करते हैं। ओके ऑल राइट जी, सो यहाँ पे चल रही है स्टोरी पोस्ट। ये कुछ मेरा नया आर्ट वर्क है, मतलब अभी मैं कुछ नई कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया सीखने का ड्राइंग्स में। सो ये कुछ नया सीख रहा हूँ, ऐसे इलास्ट्रेटर कहते हैं। सो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही रहेगा इलास्ट्रेटर, सो मुझे तो अभी पता चला, सो मैं अभी सीख रहा हूँ। सो ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। न्यू एपिसोड बोल सकते, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। कल का दिन सिर्फ हम लोग ने आराम किया और ऑलमोस्ट हम लोग ने आराम के साथ डिज़ाइन भी कम्प्लीट कर लिया। मतलब कि ये जो मेरी कैप है इसके ऊपर अभी क्या डिज़ाइन होने वाला है उसका मैंने प्रॉपरली एक बोल सकते हैं ना कि दिमाग में सेट कर लिया कि ये डिज़ाइन होने वाला है। सिर्फ अभी इसका एक 3D लाइक डिजिटल ड्राइंग में पर देखना है कि ये कैसा दिखेगा। सो इसका 2-3 फोटोग्राफ खींच लिए मैंने और लेट्स डू डिजिटल ड्राइंग। और यहाँ पे गाइस पूरे तारे बुरे बिखरे हुए,
सब कुछ चार्ज हो रहा था और ये रही हमारी ड्राइंग पैक करके रख दी है। मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने स्टोरी डाला था कि मैं सेल आउट करने जा रहा हूँ। सो जिनको भी ये मेरा जो ड्राइंग है चाहिए, मुझे DM कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पूरा डिटेल्स शेयर कर दूंगा। कमेंट कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, आपको डिटेल्स बताया जाएगा, ड्राइंग्स के प्राइस भी सब कुछ बताया जाएगा। तो कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पर, सब कुछ आपको डिटेल्स पता चल ही जाएगा। सो यहाँ पे सब कुछ तारे तो बिखरी पड़ी है। सो यहाँ पे निकालते हैं हमारा एक्सपेन और काम करते हैं गाइस। सो यहाँ पे चल रहा था डिजिटल ड्राइंग, बट डिजिटल ड्राइंग का मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ कि यार डायरेक्टली ड्राइंग किया जाए ये कैप पे, सोच रहा हूँ क्योंकि ना मुझे तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में हायर्ड हो चुका है। सो डायरेक्टली इस पे ही करते हैं यार, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोच रहा है कि डायरेक्टली इस पे करते हैं अपना आर्ट वर्क, मतलब कि आउटलाइंस बनाते और करते आर्ट वर्क। Let's do it. ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे है मेरे पास ये नॉर्मल सी पेंसिल। सो ये है अप्सरा या नटराज की पेंसिल। तो पेंसिल है नॉर्मल से, क्योंकि ये जो मटेरियल है, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो मटेरियल थोड़ा बहुत सा कैनवास रिलेटेड मटेरियल से, मतलब टेक्सचर बोल सकते हो कैनवास जैसा है। सो यह इस पर मैं अपना आर्ट वर्क आराम से कर सकता हूँ। ये जो पोर्शन है वो हार्ड पोर्शन है और ये भी हार्ड पोर्शन है, मतलब इतना हार्ड ही नहीं है, थोड़ा बहुत हार्ड है, एकदम हार्ड है। एंड लुक एट द एंटायर कैप, पूरा वाइट है, पीछे से कुछ ऐसा टेक्सचर है, लॉकिंग वाला सिस्टम है। सो इस पर आराम से हम आर्टवर्क कर सकते हैं। तो ये इस टाइम जो कॉन्सेप्ट होने वाला है थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, मतलब कि ये जो कैप पे हम थोड़े ग्राफिटी वॉल्स पे कैसे होते हैं सिमिलरली कुछ ऐसे ही करना चाहता हूँ। इस टाइम डूडल्स नहीं करूँगा, इस टाइम थोड़ा डिफरेंट किया जाएगा, क्योंकि सेम कैप डूडल वाली फिर से करना है इस पर मतलब नहीं बनता। सो इस पर हम अभी आउटलाइन करते हैं ग्राफिटी टाइप कुछ। ओके ऑलराइट गाइस, सो मैं ये अभी इस पर हम अपना आर्टवर्क करने वाले, मतलब कि डिज़ाइन करने वाले हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए मेन जो प्रॉब्लम आएगा वो ये है, ये पूरी फ्लेक्सिबल कैप है, ठीक है, हार्ड कैप नहीं है। सो अब जब प्रेस करोगे पेंसिल से ड्राइंग करते हो तो ये से दबने का चांसेस होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ ऐसे कपड़े लीजिए, फिर यहाँ पे आपके पास क्लॉथ भी होगा, कुछ ऐसे लीजिए। सो क्लॉथ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए एंड इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए कुछ इस तरह से। सो ये टाइट हो चुका है एंड थोड़ा बहुत सा, मतलब कंफर्टेबली थोड़ा बहुत सा अपना आर्टवर्क कर सकते हो। सो गाइस, आउटलाइन वाला प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट और ये कुछ ऐसा लग रहा है, चेक कीजिए सब कुछ, मतलब एकदम क्रेजी अलग ही कुछ किया है, फर्स्ट टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस टाइप का। सो ये तो हो चुका है अभी कंप्लीट। तो अभी हम करेंगे कलर वाला प्रोसेस, तो कलर वाला प्रोसेस करते हैं, एंजॉय द बी-रोल्स। ओके ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट मीन थर्ड डे बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे तो हम लोग ने डिज़ाइन में डिस्कस कर लिया, सेकेंड डे जो भी काम था आर्ट वर्क का वो भी कंप्लीट कर लिया, अभी सिर्फ आज है फाइनल डे, मतलब कि आज ऑलमोस्ट लाइक 10% काम बाकी है, बाकी पूरा हो चुका है। कल रात को मैं करीबन 12:30 तक काम कर रहा था और फिर मतलब थक गया और फिर सो गया, एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो है अराउंड 11:30, मतलब इस टाइम पे मैं कैप लाने गया था, इसी टाइम पे हम अभी अपना वीडियो चालू कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कल का काम मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे है देखिए कि पूरा मैंने कलर कर लिया, आउटलाइंस भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे चेक करिए, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो बैक साइड का पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है, मतलब कि आउटलाइंस जो भी बॉर्डर लाइंस है ब्लैक कलर्स के वो कंप्लीट करना है, बाकी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ना कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा छुटका मुटका सा काम बाकी है, वो कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर आपको कैप दिखाते हैं इन सिनेमैटिक शॉट। तब तक के लिए अपना जो कैप है वो कंप्लीट करते हैं।
ऑलराइट गाइस, सो सबसे कंफर्टेबल जगह जो मुझे लगती है ना, यहाँ पे मेरे पास डेस्क है, बट तभी भी मैं नीचे बैठा क्योंकि ना नीचे बैठ के ना कंफर्टेबली होता है, काम दिखा था मैं आपको। यहाँ पे है अपना आर्ट वर्क, ऐसा मैं रखता हूँ और अपना आर्ट वर्क कम्प्लीट करता हूँ। तो ये जो कंफर्टेबल जगह है ना बॉस, ये कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा डेस्क बन दो, कितना भी महंगा सेटअप बन दो, ये जो कंफर्टेबल जगह है ना ऐसे नीचे बैठ के आर्ट वर्क बनाना, इट्स रिलैक्सिंग, क्योंकि ना ये जो भी आउटलाइन वाला प्रोसेस है ना, ज़्यादा झुकना पड़ता है करने के लिए ये सब छोटा छोटा चीज़ें, तो उसके लिए नीचे बैठ के कम्फर्टेबली कर सकते हो। तो अपना आर्ट वर्क गाइस करते हैं अभी। गाइस, सो फाइनली अपनी जो कैप है वो हो चुकी है रेडी। यहाँ पे है मेरे पास ये रही कैप, बहुत ही क्रेजी और साथ ही साथ कलरफुल भी कैप लगी है, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने कोट्स लिखे हुए यहाँ पे रॉकेट से, फिर यहाँ पे भी कोट्स है, थोड़े बहुत सम्स मैंने बनाए हैं, फिर यहाँ पे ट्यूबलाइट, मतलब ये जो पूरा कैप है ना, इन शॉर्ट एक लाइक मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर है, जैसे कि ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज, फिर माय स्पेस माय न्यू होम, ट्राई समथिंग न्यू, फिर फन कूल, फिर दिमाग की बत्ती जलाओ, क्रिएटिविटी लेके आओ, मतलब कि ऐसे क्रिएटिव मतलब क्रेजी थॉट्स लिखे इसके अंदर और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पेन के बताता हूँ, तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और इसे पहनते हैं। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है, चेक दिस आउट गाइस, बहुत ही क्रेजी लग रहा है। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो आई होप गाइस आज को वीडियो पसंद आ रहेगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं आपको एक ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी क्रिएटिव, बाय बाय, और सिनेमैटिक शॉर्ट्स देख के जाना, बाय बाय।